दोस्तों, मैं कृष्णा आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत करता हूं। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप अपना 100% दोगे और यहाँ हम भी अपना 100% देंगे, आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंचेगा। और आगे हम बात करते हैं आज के अपने नए टॉपिक की। ये जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट टेंस के अंदर हम 4 सब टेंस पढ़ते हैं फ्रेंड्स: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम इस समय जो टॉपिक ले रहे हैं वो फर्स्ट सब टेंस है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है, लेकिन यूपी बोर्ड में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम सपोर्ट करते हैं वो है डिड। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी किसी टेंस के अंदर सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंगल हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो वो दोनों ही सब्जेक्ट को सपोर्ट करती है, सिंगुलर सब्जेक्ट एसएस और प्लूरल सब्जेक्ट पीएस। लेकिन जिन टेंसेज के अंदर डबल या ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, टू, डू, डज, तो वहां पे हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो जहां सिंगल ऑक्सिलरी है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, वहां वो दोनों सब्जेक्ट को सपोर्ट करती है। तो डिड हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी सपोर्ट करेंगे और प्लूरल के साथ भी। अब बात करते हैं मैन वर्ब की। इस टॉपिक के अंदर मैन वर्ब की 2 फॉर्म अप्लाई करनी होती है हमें। कुछ में एमवी फर्स्ट और कुछ मोड्स ऐसे हैं जहां पे एमवी सेकेंड, मैन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, उसका मोड क्या है। हमने आपको मोड के बारे में बताया था। आपको हर एक टेंस के अंदर 2 मोड्स स्टडी कराए जाते हैं, वो हैं असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव के अंदर 2 टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और इंटरोगेटिव में आपको 4 टाइप्स के सेंटेंस स्टडी करने होते हैं। I1 जिसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है, I1N जिसमें स्टार्टिंग में क्या और नहीं भी होता है, जैसे क्या हमने कल एक मूवी नहीं देखी, I1 क्या हो सकता था, क्या हमने कल एक मूवी देखी। और I2 जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में सपोर्ट किया जाता है मिडिल में, हमने कल एक मूवी क्यों देखी। और I2N जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नहीं भी, हमने कल एक मूवी क्यों नहीं देखी। तो इस तरीके से 6 टाइप्स के सेंटेंस आपको पढ़ने होते हैं। तो हम जब भी कभी ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है उस सेंटेंस का मोड क्या है, वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, उसमें नहीं या कभी नहीं ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जैसे हमने कल एक मूवी नहीं देखी। तो ये आपको चेक करना है ट्रांसलेट करने से पहले। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग उसको लेना है। नेगेटिव I1, I1N, I2, I2N ये चेक करेंगे आप। दूसरी बात, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे तो आपको बताया गया था कि सेंटेंस के टेल में ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द मिलते हैं, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन इस तरह का कोई भी टेल वर्ड यहां फिक्स नहीं किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड आप नहीं फिक्स कर सकते कि लास्ट में ये वर्ड आएगा तो ही वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में कंसीडर करना है, ऐसा नहीं है। जैसे हम इसी में एक सेंटेंस और ले सकते हैं, हमने कल एक गाना सुना। अब यहां पे लास्ट वर्ड क्या है, सुना, ना वर्ड आ रहा है यहां पे, ना लेटर आ रहा है। तो अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो जब भी कभी आप पास्ट इंडेफिनिट के बारे में ये जजमेंट करें कि सेंटेंस क्या है, किस तरह का है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि थोड़ा फीलिंग पे ध्यान दें कि सेंटेंस में एक्शन क्या दिया गया है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो हमने या किसी ने पास्ट में किए, हम उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे मेरा बड़ा भाई कल दिल्ली गया, हमने कल एक किताब खरीदी, तो पास्ट में जो एक्शन किए गए हैं उनके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है। इस तरह के सेंटेंस से जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अभी हमारे सामने एक सेंटेंस है, हमने कल एक मूवी देखी। अब हम इसको ट्रांसलेट करें तो देखिए, हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, वी वॉच अ मूवी यस्टरडे। अब यहां मैंने इस सेंटेंस के अंदर एक माइक्रो मिस्टेक की है। जब भी आप कभी किसी सेंटेंस में रीचेक करें कि मेरे सेंटेंस में कोई मिस्टेक तो नहीं, तो वो रीचेकिंग किसके बेस पर होनी चाहिए? आपको चेक करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, तो हमें इसमें स्ट्रक्चर कौन सा सपोर्ट करना है? अफर्मेटिव। तो ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं ये आपको एडिटिंग में भी बहुत हेल्प करती है, और रीऑर्डरिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में, जहां पे आपको सेंटेंस दिया जाता है, आपको उसे रीसेट करना होता है, एक राइट सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, वर्ड्स को आगे पीछे करके, उसको आप रीऑर्डरिंग बोलते हैं। और एडिटिंग के अंदर क्या होता है, सेंटेंस में कोई माइक्रो मिस्टेक होती है और आपको उसे स्पॉट करने को कहा जाता है और दोबारा से उस सेंटेंस को लिखना होता है करेक्शन करके। तो एडिटिंग और रीऑर्डरिंग जैसे क्वेश्चंस में भी ये पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। तो जब आप अपने सेंटेंस को रीचेक कर रहे हो कि ये पूरी तरह राइट है या नहीं, तो आप उसमें स्ट्रक्चर से स्टार्टिंग करें। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें इसे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से ही ट्रांसलेट करना है। अब हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को मैच करना है। तो हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। लेकिन हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट इंडेफिनिट में। हर टेंस के अंदर अपने कुछ रूल्स होते हैं, तो हम इस समय पास्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही यहां पर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैन वर्ब सेकंड फॉर्म। अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो आपको कौन सी फॉर्म लेनी है? सेकंड फॉर्म। हमने कौन सी फॉर्म सपोर्ट की है? फर्स्ट फॉर्म। तो वॉच का सेकंड फॉर्म क्या होगा? हमें इसमें ईडी अटैच करना है। क्या लगाना है इसमें? ईडी। वॉच, WATCH ईडी। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? अ मूवी। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लेते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। यस्टरडे, तो ये वर्ड हमने यहां पोजीशन किया। अब आप देखेंगे कि ये हमारा सेंटेंस राइट हो गया। तो जब भी आप कभी अपने सेंटेंसेज को चेक करें तो स्टार्टिंग किससे करनी है? स्ट्रक्चर से। वहीं से आपको कोई माइनर मिस्टेक अगर हुई होगी तो आप उसे स्पॉट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये सेंटेंस होता, हमने कल एक मूवी नहीं देखी, तो ये क्या हो जाता? नेगेटिव। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पर नेगेटिव स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है। लेकिन इससे पहले एक स्ट्रक्चर और दे रखा है, आप ध्यान दीजिए, ई। थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है और आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, अफर्मेटिव के बाद तो हमने नेगेटिव पढ़ा है, लेकिन ये ई क्या है? यहां मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट में एक वर्जन और हो सकता है, वो है एम्फेटिक। एम्फेटिक में क्या होता है कि हम जो बात कह रहे होते हैं उस पर थोड़ा हम जोर दे रहे होते हैं, जो हमारा भाव है थोड़ा डीप होता है। अब क्योंकि जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो बहुत बड़ा रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज भी प्ले करती है। हमारे बात करने के तरीके से ये पता लगता है हम उस चीज को लेकर के कितने सीरियस हैं, कितने हम कमिटमेंट के साथ हैं। तो जब हम अपनी बात को थोड़ा जोरदार तरीके से कह रहे होते हैं तो वहां पे वो जो हमारा टोन है, वो जो मोड है, वो क्या होता है? एम्फेटिक। तो पास्ट इंडेफिनिट में एम्फेटिक वर्जन में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लेना होता है? डिड। तो अगर हम इसी सेंटेंस को एम्फेटिक मोड में बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? वी और उसके बाद डिड, वी डिड, उसके बाद एमवी फर्स्ट, वी डिड वॉच, और ऑब्जेक्ट अ मूवी, और उसके बाद अदर वर्ड्स यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। तो ये एम्फेटिक मोड हो गया। तो कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको अफर्मेटिव के बाद आपकी बुक्स क्या पढ़ाती हैं? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कल एक मूवी नहीं देखी। अगर ये सेंटेंस है तो ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए, तो क्या हो जाएगा? वी, उसके बाद डिड और फिर नॉट, वी डिड नॉट, और उसके बाद लेना है आपको वी डिड नॉट के बाद वर्ब। अब यहां पर स्ट्रक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक है कि हमें यहां पे वर्ब लेना था, जो कि हमने नहीं लिया है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट वॉच ए मूवी यस्टरडे। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि आपने यहां पे ये मिस क्यों कर दिया था। तो ये मिस्टेक नहीं थी फ्रेंड्स, ये आपको एक पॉइंट समझाना था जिसके लिए मैंने जानबूझ करके एमवी फर्स्ट को स्किप किया। यहां मुझे आपको यह बताना था कि जब कभी आप अपने सेंटेंस में, यानी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कोई स्टोरी दे रहे हैं, कोई लेटर दे रहे हैं, एसे दे रहे हैं, कोई भी आप सेंटेंस आपका है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पेपर में करनी होती हैं, तो जब कभी ऐसा हो कि आप अपने सेंटेंस में कुछ लिखना भूल गए हो, अब बाद में आपको ध्यान आता है कि यहां इस सेंटेंस में ये वर्ड और आना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहां पे ये लिखना भूल गए थे कि नॉट के बाद एमवी फर्स्ट लेना है। बाद में जब हमने रिवाइज किया हमें ध्यान आया कि ऑब्जेक्ट से पहले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एमवी फर्स्ट आएगी। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसका जो एक ग्रामेटिकल तरीका है, जो ग्रामेटिकल मेथड है, जो राइट मेथड है, वो ये है कि जो वर्ड आप लिखना भूल गए हैं, जिस वर्ड से पहले आप उस वर्ड को लिखना चाह रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट से पहले लिखना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप पहले ये सिंबल लगाएं। ये आप सिंबल देख रहे हैं ना, इस सिंबल को बोलते हैं हम कैरेट, CARET। तो ये सिंबल इस तरीके से है, आप ये सिंबल लगाएं नीचे और ऊपर उस वर्ड को लिख दें जिसको आप लिखना चाह रहे हैं। तो ये जो सिंबल है जिसको कैरेट बोलते हैं, CARET, इसका मतलब है दैट इज मिसिंग, मतलब जो हम लिखना भूल गए हैं, जो हम यहां पर मिस कर रहे हैं, वो वर्ड ये है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल मेथड को फॉलो करते हुए एडिटिंग कर सकते हैं। अपना कुछ वर्ड अगर आपको सेट करना है, कहीं कुछ लिखना भूल गए तो आप उसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रामर रूल्स पर चलती है, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, शो करते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, तो एग्जामिनर को ये सिग्नल जाता है कि ये स्टूडेंट पंक्चुएशन में भी स्ट्रांग है। और पंक्चुएशन इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे पॉइंट्स कि कहां पे हमें फुल स्टॉप लेना है, कहां पे क्वेश्चन मार्क लेना है, ये सब किस में आता है? पंक्चुएशन में। हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या लेना होता है? टेल में फुल स्टॉप, एम्फेटिक में भी फुल स्टॉप, नेगेटिव में भी फुल स्टॉप। लेकिन बाकी जो 4 टॉपिक्स हैं, I1, I1N, I2, I2N, इन सभी में आपको टेल में क्या लेना होता है? क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी बातें आप किस चैप्टर में पढ़ते हैं? पंक्चुएशन, PUNCTUATION। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली 10th क्लास में ग्रामर में, और ये फॉलो तो हर क्लास में किया जाना होता है। जब भी आप ग्रामर में स्टडी कर रहे होते हैं, आप कुछ भी लिखेंगे, आपको पंक्चुएशन का पूरी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जब आप 4 की 4 स्किल्स में अच्छा दें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लेकिन यहां पे जो आपका एग्जाम है उसका मेन कनेक्शन किससे है? रीडिंग और राइटिंग से। और रीडिंग तो आप जब तैयारी कर रहे हैं आप करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में आपकी जो परफॉर्मेंस है पूरी तरह वो किस पर फोकस हो रही है? राइटिंग पर। तो जो आप लिख रहे हैं वो स्पेलिंग वाइज सही हो, वो पंक्चुएशन वाइज सही हो, पंक्चुएशन अच्छे से फॉलो किया जाए, कहां कैपिटल लेना है, कहां स्मॉल केस में जाना है, कहां क्वेश्चन मार्क लेना है, स्पेलिंग के साथ साथ ये पंक्चुएशन और ग्रामर। अगर ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो अब हम बात कर रहे थे नेगेटिव की, तो क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट वॉच ए मूवी यस्टरडे। अब सेंटेंस है, क्या हमने कल एक मूवी देखी? तो इसको फॉर्मेट करना है I1 के अकॉर्डिंग, डेट वी वॉच अ मूवी यस्टरडे। जैसे जैसे स्ट्रक्चर आपको बोल रहा है आप वैसे ही फॉलो करते जाइए, आपका सेंटेंस 100% राइट होगा। अगर सेंटेंस होता क्या हमने कल एक मूवी नहीं देखी, तो ये कौन सा मोड है? I1N। अब आपको ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, डेट वी नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे। अब सेंटेंस हो सकता था हमने कल एक मूवी क्यों देखी। अब आप किस मोड में हैं? I2। अब आपको I2 मोड फॉलो करना है, क्योंकि लिए आपको क्वेश्चन वर्ड लेना, वाई डिड वी वॉच अ मूवी यस्टरडे। अब सपोज करिए आपका सेंटेंस है हमने कल एक मूवी क्यों नहीं देखी। अब ये जो सेंटेंस है आपका, ये किस मोड में है? आई टू एन। तो कैसे करना है आपको? क्वेश्चन वर्ड, वाई डिड वी नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे। इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से बस रूल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। पास्ट इंडेफिनिट कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को शेयर करिए। आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। पास्ट टेंस के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम किस तरह के सेंटेंस पाते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको ईजी का कनेक्शन एग्जांपल के साथ क्या है। ईजी एक लैटिन वर्ड है, इसका फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेशिया। हमारे पिछले वीडियो में ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं कि क्यों हम एग्जाम्पल को शॉर्ट में EX नहीं लिख सकते। क्या लिखना है? ईजी, जिसका फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेशिया और इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। हम सभी कल द कश्मीर फाइल्स मूवी देख रहे थे। मैं जहां भी देख रहा हूं, हर टीवी चैनल पर, हर न्यूज़पेपर में द कश्मीर फाइल्स के चर्चे हैं। तो सोचा क्यों ना अपने सेंटेंस में एक नया वर्ड लिया जाए। हम सभी कल कश्मीर फाइल्स मूवी देख रहे थे। अब इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। हमने ये कैसे कंफर्म किया कि यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वो स्टेटमेंट आएंगे जिसमें एक्शन पास्ट में होगा लेकिन प्रोग्रेसिव मोड में। प्रोग्रेसिव मोड का मतलब है फ्रेंड्स कि एक्शन फिनिश नहीं हुआ, रनिंग में है लेकिन पास्ट के अंदर। मूवी देख रहे थे, और दूसरा एक पॉइंट ये है कि रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे शब्द भी हो सकते हैं सेंटेंस के टेल में। हम सभी कल द कश्मीर फाइल्स मूवी देख रहे थे। पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इस टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज सपोर्ट करना है WAS, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ड सपोर्ट करना है WERE। तो आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तभी आप फिक्स कर पाएंगे कि हमें वॉज लेना है या वर लेना है। ओके, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? मेन वर्ब का इसमें ING फॉर्म आएगा, जिसको आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, वर्ब की फॉर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि ग्रामर की दुनिया में वर्ब को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द सेंटेंस। जी हां दोस्तों, जैसे इंसान की हार्ट बीट रुकती है और इंसान को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, वैसे ही अगर सेंटेंस के अंदर आपका वर्ब गलत होता है तो पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी चीजें अगर माइनर मिस्टेक हैं लेकिन वर्ब आपने राइट यूज किया है तो पूरी तरह से आपका स्टेटमेंट क्रॉस नहीं होता। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है राइट फॉर्म ऑफ वर्ब पर, क्योंकि यही चीज है जो आपके सेंटेंस का टेंस या सब टेंस डिसाइड करती है। अब हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। हम सभी कल द कश्मीर फाइल्स मूवी देख रहे थे। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हम सभी, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, वी ऑल, और दूसरा तरीका हो सकता है ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस, आप इसको वी ऑल भी ले सकते हैं। ऑल ऑफ अस ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और हमने बताया था ऐसे सब्जेक्ट में जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको क्या लेना है? वर। ऑल ऑफ अस वर, और मैन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ऑल ऑफ अस वर वॉचिंग, WATCH फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आपको ING अटैच करना है। ऑल ऑफ अस वर वॉचिंग द मूवी। अब आप उस मूवी का टाइटल ले सकते हैं यहां पे, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर KASHMIR, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स, ऑल ऑफ अस वर वॉचिंग द मूवी द कश्मीर फाइल्स यस्टरडे। YESTERDAY, यस्टरडे। तो हम इसमें देखते हैं ऑल ऑफ अस ये क्या है सब्जेक्ट, वर वॉचिंग वर्ब जिसमें वॉचिंग क्या है मैन वर्ब, वर्ब क्या है हेल्पिंग वर्ब। द मूवी द कश्मीर फाइल्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ऑब्जेक्ट। यस्टरडे अदर वर्ड्स, इसको हम कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन में ले सकते हैं। तो जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस के स्टेटमेंट्स को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो हमें हमेशा की तरह क्या ध्यान रखना है अपने स्ट्रक्चर्स के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, ये हम अपने हर वीडियो में आपको बताते रहे हैं। अफर्मेटिव कौन से होते हैं, जो प्लेन सेंटेंस होते हैं। ऊपर जो अभी सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया है ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है और नहीं कभी नहीं ऐसा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉच, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, हम सभी कल द कश्मीर फाइल्स मूवी नहीं देख रहे थे, तो यहां पे सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस वर नॉट वॉचिंग द मूवी द कश्मीर फाइल्स यस्टरडे, तो आपको मैन वर्ब से पहले क्या लेना है नॉट। अब अगर ये सेंटेंस I1 है तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या सपोर्ट करेंगे, क्या हम सभी कल द कश्मीर फाइल्स मूवी देख रहे थे, तो ये I1 सेंटेंस हो जाएगा। I1 में आपको I1 का स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, वर वी ऑल या वर ऑल ऑफ अस वॉचिंग द मूवी द कश्मीर फाइल्स यस्टरडे। I1N क्या होगा, क्या हम सभी कल द कश्मीर फाइल्स मूवी नहीं देख रहे थे, इसमें आपको कौन सा स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है I1, वर ऑल ऑफ अस नॉट वॉचिंग द मूवी कश्मीर फाइल्स यस्टरडे। अब अगर ये सेंटेंस I2 है I2 तो क्या होगा, हम सभी कल द कश्मीर फाइल्स मूवी क्यों देख रहे थे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन वर्ड आ सकते हैं, कहां देख रहे थे ये भी हो सकता है। अब आप इस सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे I2 के अकॉर्डिंग। आपका स्ट्रक्चर क्या है I2 का, क्वेश्चन वर्ड वाई वर ऑल ऑफ अस वॉचिंग द मूवी कश्मीर फाइल्स यस्टरडे। अब हम आते हैं I2N पर। अगर ये सेंटेंस I2N में होता तो क्या होता, हम सभी कल द कश्मीर फाइल्स मूवी क्यों नहीं देख रहे थे, तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते I2N स्ट्रक्चर के थ्रू। तो क्वेश्चन वर्ड वाई वर ऑल ऑफ अस नॉट वॉचिंग द मूवी कश्मीर फाइल्स यस्टरडे। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर सेट होने चाहिए। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक, ये जो 6 मोड हैं अफॉर्मेटिव, नेगेटिव, I1, I1N, I2, I2N, 98% केसेज में एक पर्टिकुलर सेटअप है वही रिपीट होता है। जब भी आप किसी भी टेंस में अफॉर्मेटिव से नेगेटिव में जाते हैं तो मैन वर्ब से पहले नॉट आ जाता है। उसी स्ट्रक्चर में अफॉर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में मैन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। जितने भी I1 है किसी भी टॉपिक में हो आप, अफर्मेटिव में जो वर्ब्स आ रही हैं उन वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं तो स्ट्रक्चर हो जाता है I1। किसी भी टॉपिक के अंदर I1N का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल है। आप जो अपना नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको आप सब्जेक्ट से पहले ले लीजिए, वो I1N का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जितने भी ये I2 स्ट्रक्चर होते हैं इसमें आप I1 का जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर आप क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं स्टार्टिंग में तो वो I2 का हो जाता है। हर एक टॉपिक के अंदर यही चेंजिंग है। I2N का स्ट्रक्चर है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए, ये कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। आपको I1N का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, आप I2N पे आ जाते हैं। ये जो चेंजेस हैं ये सेम तरीके से होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक। बस एक बार आपको समझने की जरूरत है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है किसी भी टेंस के अंदर वो रूट स्ट्रक्चर होता है। रूट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ये वाला अफर्मेटिव। ये ही सीड है, ये पूरा प्लांट, ये पूरा ट्री इससे ही डेवलप होता है। अगर आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्लियर है अच्छे से और आपने ये चेंजिंग समझ ली तो किसी भी टेंस के अंदर आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद करना है, बाकी 5 स्ट्रक्चर उसी के डेरिवेटिव हैं। तो ये पॉइंट्स हमें समझने हैं। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत सिंपल टॉपिक है, आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा समझना है और जहां भी मन में कोई डाउट हो उसको शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और अच्छी होगी और आप बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे। बस अपना टाइम मैनेजमेंट बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी में ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे चैनल का उठाइए, क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियोज के साथ हर दिन आपके साथ हैं। बस आप क्वेश्चन करिए, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। आपको उसी टॉपिक को यहां पर हम वीडियो के थ्रू या कैसे भी आपको डील करेंगे जहां भी आपकी कोई क्वेरी है। बस आप अपना 100% दीजिए। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हैड। हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है और हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस टॉपिक के अंदर सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है तो वहां हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। दोनों ही तरह के सब्जेक्ट में, एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों ही तरह के सब्जेक्ट में हमें एक ही उसी हेल्पिंग वर्ब को सपोर्ट करना होता है। तो इस तरह के टॉपिक थोड़ा इजी हो जाते हैं। मैन वर्ब की फॉर्म जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो परफेक्ट, पास्ट का हो या फ्यूचर का, जो परफेक्ट वाले जो टॉपिक हैं केवल परफेक्ट, उनमें आपको थर्ड फॉर्म सपोर्ट करना है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोनू खाना खा चुका था। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी ले सकते हैं, मोनू ने खाना खा लिया था। दोनों सेंटेंसेज ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम हैं, इसलिए इनका जो ट्रांसलेशन रहेगा वो सेम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लेंगे, मोनू हैड, और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मोनू हैड ईटन द फूड। मोनू हैड ईटन द फूड। तो यह हमें ध्यान रखना है कि कभी कभी हिंदी सेंटेंस में थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद भी उसकी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो हमें फीलिंग के बेस पर समझना है। अगर दोनों सेंटेंसेज एक ही फीलिंग पास कर रहे हैं तो उनका ट्रांसलेशन भी क्या होगा? सेम। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लेना है, क्योंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल आपको हैड ही सपोर्ट करना है, और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे ये जो पार्ट है मैन वर्ब से लेकर कॉम्प्लीमेंट तक, ये आपका ऐसा पार्ट है कि आपका जो मोड चेंजिंग होगी उस मोड चेंजिंग में इस पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पार्ट सेम रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या किया? बॉक्स। तो मोनू खाना खा चुका था, ये सेंटेंस क्या था? अफर्मेटिव, तो हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्या होता? मोनू खाना नहीं खा चुका था। तो आपको क्या लेना है? इंग्लिश कैसे करेंगे इसको, ट्रांसलेट कैसे करना है? सब्जेक्ट मोनू हैड नॉट ईटन द फूड। ये जो बॉक्स हमने किया है इसका मतलब है ऊपर जो ये बॉक्स किया गया है ये पार्ट यहां पे एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये सेम रहेगा। मोहन और मोनू वट एवर हैड नॉट ईटन द फूड। अगर सेंटेंस I1 होता तो क्या होता? क्या मोनू खाना खा चुका था? हैड मोनू ईटन द फूड। अगर सेंटेंस आपका I1N होता तो क्या होता? क्या मोनू खाना नहीं खा चुका था? तो ट्रांसलेट कैसे करना था? हैड मोनू नॉट ईटन द फूड। अब अगर आपका सेंटेंस है I2 तो क्या होता? मोनू खाना कब खा चुका था? तो क्वेश्चन वर्ड व्हेन हैड मोनू, व्हेन हैड मोनू ईटन द फूड। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो आते हैं ये बहुत सिंपल हैं, बस एक बार आप ध्यान से इन चीजों को समझें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। आई टू एन में देखिए क्या होता, मोनू खाना क्यों नहीं खा चुका था, मोनू खाना क्यों नहीं खा चुका था। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे आप, तो आपको जो स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है वो करना है आई टू एन। वाई हैड मोनू नॉट ईटन द फूड। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, इनसे ही आप एडिटिंग में काफी हेल्प ले सकते हो, इनसे आप रीऑर्डरिंग कर सकते हो। तो जब भी कुछ आप लिखते हैं फर्स्ट स्टेज पर थॉट आपका मदर लैंग्वेज में आता है हिंदी में, और कहीं ना कहीं आप अपने मन में उसको ट्रांसलेट करते हैं तब आप लिखते हैं। तो जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स आप रिवाइज करेंगे, समझेंगे, तो ये बहुत सिंपल आपके लिए हो जाता है ट्रांसलेट करना। आपके सामने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए स्टोरी आती है, इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प ये ट्रांसलेशन चैप्टर की रहती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर यूपी बोर्ड में ट्रांसलेशन। तो इस टॉपिक में अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसे शेयर करिएगा। ओके अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आगे बढ़े हम। अभी मैंने 1 सेकंड का ब्रेक लिया था तो इसलिए रिकनेक्ट हुआ आपसे। आप सोच रहे होंगे सर ये नमस्कार कैसे बीच में थोड़ा सा फन भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पढ़ाई में क्या होता है आप लोग स्ट्रेस हो जाते होंगे कि क्या होगा, कैसा आएगा एग्जाम, थोड़ा सा एक प्रेशर तो होता है। लेकिन जब आपकी तैयारी सिस्टमेटिक होती है और ट्रस्ट होता है अपने ईश्वर पर और अपने मेहनत पर, तो ये प्रेशर हमें ज्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और इस प्रेशर में एक मजा भी है। तो हम इस समय इस प्रेशर को एक मजा में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ना कि सजा में। तो आइए एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 सबटेंस की सीरीज में पास्ट के अंदर ये लास्ट सबटेंस है, इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और ये लास्ट है इस सीरीज में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस का एक डिफरेंस है जो मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। टॉपिक कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में जो डिफरेंस है ये केवल टाइम का है। अगर आप किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से टाइम हटा देते हैं तो वो सेंटेंस ट्रांसफर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, और अगर आप किसी भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के अंदर टाइम अटैच कर देते हैं, लेकिन टाइम इस तरह से अटैच होना चाहिए कि वो पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो वो सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसफर हो जाएगा। आपके हेल्प के लिए एक क्लू भी दे सकते हैं कि हिंदी सेंटेंस में टाइम के साथ से आना चाहिए, 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 महीने से, इस तरह से अगर कोई टाइम आप देंगे तो सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूअस का और आपने टाइम अटैच कर दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्विच ऑन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम जब स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, तो ये सामने आती हैं। अब हम देखते हैं इसमें मैन वर्ब क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब इसमें हैड है, और हैड को हमने पास्ट परफेक्ट में भी अप्लाई किया था, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस है, आपको हैड के साथ बीन सपोर्ट करना है। क्योंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको हैड ही सपोर्ट करना है। तो इस टॉपिक में आपको ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। मैन वर्ब का 4th फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। यहां पे एक पॉइंट ये ध्यान रखिए, जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टॉपिक हैं, कॉन्टिन्यूअस वाले टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक 6 हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सभी कॉन्टिन्यूअस वाले टॉपिक्स में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। तो टोटल 12 टॉपिक्स हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, जिनमें से 6 में आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म आती है। अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। अजय 2 दिन से यह सिटकॉम देख रहा था। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सिटकॉम क्या है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए वर्ड नया हो। पहले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं और फिर बात करते हैं सिटकॉम की। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अजय। टाइम क्या है, 2 दिन से। ऑब्जेक्ट क्या है, यह सिटकॉम। और वर्ब क्या है, देख रहा था। हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो चेक करना है इसका मोड क्या है, अफॉर्मेटिव, क्योंकि कोई इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अफॉर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर अफॉर्मेटिव का लेना है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लेना है, उसके बाद बीन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और फिर टाइम फ्रेज। तो हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, अजय ए जे ए वाई, अजय हैड, और हैड के साथ आपको बीन सपोर्ट करना है। अजय हैड बीन वॉचिंग, WATCHING, अजय हैड बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम, SITCOM, सिटकॉम। अब टाइम जो दे रखा है, हमने अपनी प्लेलिस्ट में टॉपिक दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब आप टाइम दे रहे होते हैं, सेंटेंस में टाइम होता है, तो आप उसको जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वहां पे सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है, और किस कंडीशन में आपको सिंस यूज करना है, किस में फॉर यूज करना है, इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारी प्लेलिस्ट में है। लेकिन फिलहाल टू द पॉइंट बताते हैं कि अगर डेफिनेट टाइम है तो सिंस, और अगर इंडेफिनेट टाइम है तो आपको फॉर लेना है। तो अजय हैड बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम फॉर, क्योंकि ये जो टाइम है ये इंडेफिनेट है, फॉर 2 days, TWODAYS, डेज। ओके, अजय हैड बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम फॉर 2 days। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल होता, अजय और विजय 2 दिन से यह सिटकॉम देख रहे थे, तो अजय एंड विजय हैड बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम फॉर 2 days। सिर्फ सब्जेक्ट पर चेंज आता, बाकी कुछ भी कहीं भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, बाकी सेटअप सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं इस वर्ड की, सिटकॉम। तो ये जो वर्ड है सिटकॉम, ये एक कंपाउंड वर्ड है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स को पोर्टमैंट कहते हैं। पोर्टमैंट्यू जो वर्ड्स हैं वो कुछ अलग तरह के वर्ड्स होते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं। उस पर हम एक वीडियो प्लेलिस्ट में जल्दी ही डालने वाले हैं, आप देख पाएंगे इस तरह के वर्ड्स के बारे में। फिलहाल हम सिटकॉम को समझते हैं। तो सिटकॉम जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो सिचुएशनल, SITUATIONAL, सिचुएशनल, और प्लस कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी। इन 2 वर्ड्स को मिलाकर के ये वर्ड बना है सिटकॉम। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो मैं एग्जांपल दे सकता हूं। एक बड़ा पॉपुलर सिटकॉम है जो आजकल छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक में काफी पॉपुलर है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये क्या है, ये एक सिटकॉम है। हो सकता है आपने इसका कोई एपिसोड देखा हो। तो इस तरह के जो सीरियल्स होते हैं जिनमें एक सिचुएशन बेस्ड कॉमेडी होती है, कोई जोक वगैरह ऐसे सुना करके नहीं, एक सिचुएशन बेस्ड कॉमेडी होती है, उसको हम बोलते हैं सिटकॉम। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। बस आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए, और कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है आप उसे शेयर करिए, हम आपकी केयर करते हैं। हम विदिन 24 hours उस पर वीडियो देंगे आपको, और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई किया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो अजय 2 दिन से यह सिटकॉम देख रहा था, अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, अजय हैड बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम फॉर 2 days। तो टाइम फ्रेज में क्या आता है, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब अगर ये नेगेटिव होता सेंटेंस, अजय 2 दिन से यह सिटकॉम नहीं देख रहा था, अजय हैड नॉट बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम फॉर 2 डेज। आई वन सेंटेंस क्या होता, क्या अजय 2 दिन से यह सिटकॉम देख रहा था, हैड अजय बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम फॉर 2 डेज। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये जो बॉक्स किया गया पार्ट है उसको यहां पे हमने बॉक्स करके ही रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब है ये जो कुछ आपने यहां देखा, बीन से लेकर टाइम फ्रेज तक, ये सब कुछ यहां रिपीट होगा सेम। तो जो बॉक्स किया जाता है कंटेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे आपका मोड अफर्मेटिव हो या नेगेटिव। आई वन एन, आई टू एन, जो भी चेंज आता है बॉक्स से बाहर आता है। तो ये क्या रहता है, सेम रहता है, इसको हमने बॉक्स किया है। आई वन एन, क्या अजय 2 दिन से यह सिटकॉम नहीं देख रहा था, हैड अजय नॉट बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम फॉर 2 डेज। आई टू क्या होता, अजय 2 दिन से यह सिटकॉम क्यों देख रहा था, आई टू। तो वाई हैड अजय बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम फॉर 2 डेज। और नेक्स्ट क्या है, आई टू एन, क्या हो सकता था, अजय दो दिन से यह सिटकॉम क्यों नहीं देख रहा था। तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, वाई हैड अजय नॉट बीन वॉचिंग दिस सिटकॉम फॉर 2 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे हमने चीजों को टू द पॉइंट डिस्कस किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा बातों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किया जाए। टू द पॉइंट होना चाहिए लेसन, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि बोरिंग ना हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हो।